भिलाई नगर में महंगी साड़ियों के व्यापार के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को पकड़ने में भिलाई नगर पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस इस गिरोह के 5 आरोपियों को तमिलनाडु व कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा अलग अलग राज्यों में व्यापारियों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। आरोपी अब तक 7 राज्यों में वारदात को अंजाम दे चुके हैं। आरोपी इंडिया मार्ट ऑनलाइन वेबसाइट से व्यापारियों की जानकारी लेते थे। मामले में लक्ष्मी एंड एसोसिएट के प्रोप्राइटर सनी प्रसाद ने थाना भिलाई नगर में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पकड़े गए आरोपियों में गौतम गजराज निवासी राजस्थान जिला नागौर, घनश्याम सिंह बीकानेर राजस्थान ग्राम रामासती, आर श्रीघरन राजेंद्र जिला कृष्णागिरी तमिलनाडु, सर्वानंद ग्राम घट्टापट्टी जिला कृष्णागिरी तमिलनाडु और जतेंद्र सिंह बीकानेर राजस्थान शामिल है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी अजय कुमार यादव ने पुलिस नियंत्रण कक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि लक्ष्मी एंड एसोसिएट के प्रोप्राइटर सनी प्रसाद ने थाना भिलाई नगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि पिछले साल अक्टूबर से कोल्हापुर एवं कृष्णागिरी के व्यापारियों से व्यापार कर रहा था, तो 2 महीने में व्यापारियों के ऑर्डर पर 1500 से 2000 कोसा सिल्क और भागलपुर साड़ियां चेन्नई एवं कोल्हापुर भेजी गई। व्यापारियों द्वारा शुरुआत में कुछ साड़ियों का भुगतान कर सनी प्रसाद का विश्वास जीतकर इससे करीबन 42 लाख रुपए की कीमत की साड़ियां ऑर्डर कर मंगवा ली। प्रार्थी द्वारा माल भेजने के बाद भुगतान के लिए जैसे ही उनसे संपर्क करना शुरू किया तो व्यापारियों के सारे मोबाइल नंबर बंद हो गए। कोल्हापुर एवं कृष्णागिरी में गोदाम और ऑफिस भी बंद हो गए। प्रार्थी सनी प्रसाद धोखाधड़ी का शिकार हो गया, जिससे 42 लाख रुपए की साड़ियां लेकर आरोपी फरार हो गए। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना भिलाई नगर में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस को विवेचना के दौरान यह पता चला कि आरोपी गौतम गजराज पगारिया, घनश्याम सिंह तथा जितेंद्र सिंह ने कर्नाटक के द्वान घेरे में इसी तरीके से वारदात से आरोपियों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए एक नया सेटअप ऑफिस तैयार किया है। इसके बाद तत्काल पुलिस की टीम को कर्नाटक एवं चेन्नई के लिए रवाना किया गया। टीम द्वारा कर्नाटक के द्वान घेरे में नव स्थापित ऑफिस में घेराबंदी कर आरोपी घनश्याम सिंह, आर श्रीघरन राजेंद्रन, गौतम गजराज पगारिया, सर्वानंद एवं जितेंद्र सिंह को पकड़ा गया। पूछताछ पर आरोपियों ने बताया कि पिछले 6 और 7 सालों से योजना बनाकर अलग अलग राज्यों के व्यापारियों से शुरुआत में पैसों का लेन देन कर विश्वास हासिल करते हैं, बाद में बड़ी मात्रा में साड़ी कपड़े ऑर्डर कर माल लेकर चंपत हो जाते थे। व्यापारियों से विश्वास हासिल करने के लिए GST भी फाइल करते थे। गिरोह का सरगना गौतम पगारिया है, जो पिछले 10 सालों से धोखाधड़ी का कारोबार कर रहा है। राजस्थान के ठगे गए व्यापारियों ने फेसबुक पर आरोपी गौतम पगारिया को पकड़ने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने की भी घोषणा की थी। फिलहाल पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को पकड़कर उससे पूछताछ कर रही है। दुर्गई भिलाई से राजेंद्र गाड़े व सुनील सोनी की रिपोर्ट। ओके रोल है। सर, एक साड़ियों को एक फर्म बनाकर धोखा देने वाले नीचे थोड़ा सी गाइडिंग है। ये भिलाई नगर थाने का प्रकरण है और इसमें 5 फरवरी को पुलिस के पास शिकायत आई थी। यहाँ के लोकल लक्ष्मी एंड एसोसिएट साड़ियों की दुकान वाले हैं सनी प्रसाद, इनके यहाँ से कुछ साड़ियों का बिजनेस के नाम पे कुछ लोगों ने इनसे संपर्क किया था, ऑनलाइन संपर्क हुआ था और ऑर्डर हुए थे। 2 बार इन्होंने सप्लाई करी थी, तीसरे बार 42 लाख का ऑर्डर देने के पश्चात वो कंपनी वाइंड अप हो गई और इनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो उस पर पुलिस ने जाँच कराई थी और जाँच में ठगी पाए जाने से 59/20 अपराध दर्ज किया गया 406/420 का, और इसमें फिर पुलिस ने प्रॉपर जानकारी जुटाना शुरू किया तो कुछ ऐसा समझ में आया कि ये एक रैकेट बना करके ठगी करने का काम दिख रहा है। और इसमें कुछ और भी जो अनौपचारिक रूप से पता चला कि ऐसे कुछ और व्यापारी हो सकते हैं, तो इसमें संपर्क किया गया तो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र से प्लस दिल्ली के क्षेत्र से कुछ लोगों के बारे में जानकारी मिली, उनसे भी हम लोगों ने संपर्क किया हमारी टीम ने और कुछ जानकारी निकाली। उसके बाद साइबर सेल को इसमें लगाया गया और इसमें फिर जो लोग यहाँ ठगा था उनकी मोबाइल एट्सेट्रा सारा कुछ बंद था, तो हम लोगों ने उस पर थोड़ा सा कुछ टेक्निकल वर्क किया और जो बाकी सूचनाएं आ रही थी उनको लेकर, और उसमें जब हम लोगों ने प्रॉपर काम किया तो गजराज पगारिया नामक व्यक्ति का, गौतम गजराज पगारिया नामक व्यक्ति के बारे में पता चला। और ये
थाना सलाबतपुरा सूरत के थाने से 2015 से फरार है, वहाँ ऐसा एक प्रकरण दर्ज है, नहीं दिख रहा, और इसको पुलिस ने फिर दावनगेर में इन्होंने कंपनी बना करके जो यहाँ से ऑर्डर किया था, तो जा करके पुलिस ने गौतम गजराज भगारिया के साथ उसके चार अन्य सहयोगी टोटल पाँच लोगों को गिरफ्तार किया है, इसमें से तीन राजस्थान के रहने वाले हैं, गौतम गजराज, घनश्याम सिंह और जितेंद्र सिंह, तथा श्रीघरन राजेंद्रन और सर्वनन, ये दो तमिलनाडु के हैं, और राजेंद्रन के नाम पे वहाँ पे एक दुकान खोल करके उसके GST वगैरह नंबर एट्सेट्रा सारा कुछ करके इन्होंने ऑर्डर किया था, तो इसमें अभी पुलिस ने पकड़ा है, और इनके पास से 1,16,000 लगभग नगद और 650 से अधिक साड़ियाँ, एक कार और कंप्यूटर मोबाइल एट्सेट्रा अभी पुलिस ने जब्त किया है, इनको ले आए हैं, रिमांड पे भेज रहे हैं, बाकी और विवेचना की जा रही है, इसमें दिल्ली में दो मामले हो सकते हैं, गुजरात का एक मामला है, और भी जगह के मामले की जानकारी आ रही है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, उसको हम लोग संपर्क करते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.